दोस्तों सामने अपनी खड़ी है महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड Z4 वेरिएंट। दोस्तों प्राइसिंग सुन के आप लिटरली शॉक हो जाओगे। 15,40,000 15,14,000 ये इसका डीजल वेरिएंट रहने वाला है, और अगर आप पेट्रोल में लेते हो तब तो भाई हद ही हो गई, 14,90,000। हाँ आपने दोस्तों बिल्कुल ठीक सुना, 14,90,000 में आपको इतनी बड़ी गाड़ी मिल जाती है, लेकिन वो पेट्रोल में। मैं जहाँ तक सजेस्ट करूँगा पेट्रोल लेना मत, क्योंकि उसमें आपको माइलेज कुछ भी नहीं मिलने वाली है। दोस्तों इसमें आपको एक कमजोर इंजन मिलता है, हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल ठीक सुना, उसमें आपको थोड़ा पावरफुल इंजन मिलता है। तो वीडियो एंड तक देखना, लिटरली आप लोगों को मजा आएगा। इसमें आपको डाउनग्रेड क्या मिलेगा, एक तो Z6 के मुकाबले सनरूफ नहीं मिलने वाला, और दूसरा इसका इंजन आपको 130 BHP। चलो इंजन खोल के ही बात करते हैं। ये है इसका मैसिव इंजन। ये आपको स्कॉर्पियो क्लासिक वाला इंजन मिलेगा, ये आपका 2.2 लीटर का डीजल इंजन ही रहेगा, लेकिन इसमें आपको 130 BHP एंड 300 NM का टॉर्क मिलेगा 4 सिलेंडर इंजन के साथ। दोस्तों आप लोगों को पता होगा आज स्कॉर्पियो क्लासिक में लगभग 1 साल की वेटिंग है, लेकिन ये गाड़ी आपको बिना वेटिंग की मिल सकती है। हाँ दोस्तों ये गाड़ी फ्री स्टॉक में है, अगर लेना चाहते हो तो कॉन्टैक्ट कर लेना। बार बार मैं प्रमोशन करना सही नहीं समझता, लेकिन आप लोगों का फायदा होना चाहिए। अगर आप स्कॉर्पियो क्लासिक के लिए वेट कर रहे हो और अगर आपको ये गाड़ी लेनी है तो गो फॉर इट, आपको कोई भी रिग्रेट फील नहीं होगा। उससे ज़्यादा आपको फीचर्स इसमें मिल जाएंगे, हाँ वो बात अलग है, आप उसको रुतबा एक अलग मानते हो तो वो आप देख लेना, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक बेटर पैकेज प्रोवाइड करती है। अभी इसका हुड क्लोज करते हैं। इसमें लगभग 17 KMPL की माइलेज क्लेम की जाती है। अगर आप Z6 वेरिएंट लेते हो तो उसमें आपको 170 BHP एंड 370 NM का टॉर्क मिलता है, तो देख सकते हो डाउनग्रेड तो इंजन के मामले में आपको हो रहा है थोड़ा। दोस्तों फ्रंट से बात करें तो फ्रंट में आपको कुछ इस तरह के इसके स्पेक्स मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं। यहाँ पर आपको लो बीम एंड हाई बीम दोनों ही हेलोजन दिया गया है। कोई भी यहाँ पर आपको LED DRLs नहीं मिलेगा। फॉग लैंप की प्लेसिंग भी खाली रखी गई है, लेकिन शोरूम से आप ले सकते हो। यहाँ पर आपको एक सिल्वर की फिनिश दी गई है, और ये इसका ग्रिल सिल्वर फिनिश में रखा गया है। पहले आपको क्रोम फिनिश में दिया गया था। महिंद्रा का लोगो मिल जाता है। नीचे आपको फ्रंट स्किड प्लेट मिल जाती है, और यहाँ पर आपको एयर डैम्स मिल जाते हैं। MH रजिस्ट्रेशन, लेकिन MH है नहीं, ये आसाम में पड़ेगा डीलर। साइड से आते हैं दोस्तों, तो साइड से आप इसकी भाई लुक्स देख सकते हो, फॉर्च्यूनर के बराबर की लुक्स। आपको 15,40,000, और क्या लोगे भाई, बच्चे की जान लोगे क्या। यहाँ पर दोस्तों अगर इसके व्हील्स की बात करें तो 245 65 इंच का आपको यहाँ पर स्टील रिम्स मिलते हैं, लेकिन आप बस एलॉयस लगा लेना, लुक टॉप मॉडल की आ जाएगी। सस्पेंशन इज क्वाइट गुड। यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी व्हील आर्ज मिल जाती है, एक SUV स्टैंड देने के लिए कोई भी रिक्वेस्ट आंसर नहीं मिलेगा, और ये आपको फोल्डेबल नहीं मिलेंगे, लेकिन एडजस्टेबल मिल जाते हैं। ऊपर में आपको रूफ रेल मिल जाता है ब्लैक फिनिश में, टॉप मॉडल में आपको सिल्वर फिनिश में मिलता है। यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है, पीछे में भी आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है, आगे तो मिलता ही है। अब आते हैं पीछे, तो पीछे आपको वॉशर वाइपर डिफॉगर मिल जाता है, देख रहे हो भाई। Z4 वेरिएंट से आपको वॉशर वाइपर डिफॉगर मिलता है, और यहाँ पर आपको महिंद्रा का लोगो, और यहाँ पर स्कॉर्पियो एंड की बैजिंग मिल जाती है। यहाँ पर आपको डोर हैंडल मिल जाता है। इस वेरिएंट में आपको कोई कैमरा नहीं दिया गया, लेकिन पीछे दो पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर रिवर्स लैंप भी मिल जाएगा। अगर बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस कितना लीटर्स का है आपके स्क्रीन पर शो हो जाएगा, और ये तो बात हो गई। अभी जाके सेकेंड रो का स्पेस चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कुत्तों ने बच्चा दे के रखा है, वो बच्चा बहुत ही साउंड कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह का इसका डोर रखा गया है, पूरा प्लास्टिक फिनिश में मिलेगा। ये आपको कॉफ़ी ब्राउन फिनिश मिलता है, ये कुछ इसकी रफ ब्लैक फिनिश दी गई है। पावर विंडो का कंट्रोल, और यहाँ पर बस एक बोतल होल्डर मिलता है। पूरी फैब्रिक सीट्स रखी गई हैं, लेकिन सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। इसका रिक्लाइन एंगल आप लेकिन एडजस्ट नहीं कर सकते, आगे पीछे सीट्स आप नहीं कर पाओगे। थर्ड रो में जाने का मन तो है, लेकिन जा नहीं सकता क्योंकि बहुत सारा सामान रखा गया है। थर्ड रो का स्पेस आप मान सकते हो सिर्फ बच्चों के लिए बनाया गया है, बड़े उसमें नहीं बैठ सकते, एडल्ट्स के लिए नहीं। लेकिन आपको एक LED में लैंप मिल जाता है, कह रहा हूँ ना स्कॉर्पियो क्लासिक से बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप लेगरूम की बात करो तो लेगरूम तो बहुत ही अच्छा मिलेगा, अंडर साइज सपोर्ट इज वेरी गुड। स्कॉर्पियो क्लासिक में आपको काफ़ी अनकम्फर्टेबल सीट्स मिलती है, और दोनों का प्राइसिंग भी बराबर ही है, एक सी सॉकेट, और यहाँ पर आपको AC लेवलर मिल जाता है, दो वेंट्स मिल जाते हैं। हेडरूम इज़ क्वाइट गुड, लेगरूम तो जैसे मैंने बताया ही, मतलब गाड़ी ठीक है यार। उस हिसाब से प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो 5 स्टार मिल भी चुके, वो गाड़ी तो आपको 0 स्टार मिलती है, मतलब स्कॉर्पियो क्लासिक। यहाँ पर दोस्तों आपको एक स्पीकर भी मिल जाता है। यहाँ पर आपको कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं दिया गया। ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का रखा गया है। तो फ्रंट का डोर आपको कुछ इस तरह का मिलता है, पूरा प्लास्टिक पैक है, बस कुछ ही दिनों में चली जाएगी, लेकिन अभी फ्री स्टॉक में है ये गाड़ी। यहाँ पर दोस्तों आप कुछ इस तरह के इसके विंडो कंट्रोल्स देख सकते हो, पूरे रफ ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं, लेकिन 4 पावर विंडोज के कंट्रोल आपको मिल जाते हैं, और ये ORVM एडजस्ट करने का बटन मिलेगा। यहाँ सब फोल्ड अनफोल्ड नहीं कर सकते हो।
ब्लैक फिनिश मिलती है, पूरी प्लास्टिक रखी गई है, यहाँ पर कोई भी आपको लेदर फिनिश नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा आपको फैब्रिक फिनिश रखा गया, सीट्स आर क्वाइट कंफर्टेबल। यहाँ पर आपको हाइट एडजस्टेबल सीट्स भी प्रोवाइड कराए गए हैं, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है लंबर सपोर्ट। लंबर सपोर्ट क्या होता है, जैसे ही आप इस बटन को घुमाओगे ना, ये चीज़ जो है पीछे की बैकरेस्ट ये आगे पीछे होती रहती है, मतलब आगे और पीछे जाएगी, जिससे पीछे का जो पेन होता है स्पाइन पेन वो थोड़ा कम हो जाएगा। जैसे मैं इस लीवर को घुमाऊंगा, यहाँ देखो ये पीछे जा रहा है, आप लोगों को कैमरा में पता नहीं चल रहा होगा लेकिन असली में ये काफ़ी काम का फीचर होता है। एक ग्रैब हैंडल मिलता है और फुट रेस्ट भी इसमें मिलता है, वो एक्सेसरी का पार्ट नहीं है, वहाँ पर रखा गया, बाद में इंस्टॉल किया जाएगा PDI के वक्त। सो नाउ द कार इज स्टार्ट, गाड़ी साइलेंट है, ये डीजल इंजन है तो इंजन स्टार्ट होने के टाइम में थोड़ी सी तो क्लटर आपको फील होगी। यहाँ पर आपको कुछ इसके टेलीमेट्रिक और इन्फोटेनमेंट के कंट्रोल मिलते हैं, और यहाँ पर आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है। हाँ भाई आपने बिल्कुल ठीक सुना, इस गाड़ी में आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है, इसमें आपको वो डिजिटल वाला क्लस्टर तो नहीं मिलता है, वो पुराना वाला ही क्लस्टर मिलता है। पुराना मतलब क्या, थोड़ा दूसरा टाइप का क्लस्टर मिलता है, ये देखने में उतना कुछ प्रीमियम नहीं लगता है लेकिन प्राइस वाइज देखो तो चलो ठीक ठाक ही है। इस साइड में दोस्तों आपको मिल जाता है RPM मीटर, और इस साइड में आपको 220 की स्पीड मिल जाती है, और यहाँ पर आपको मैनुअल वाइपर्स मिलते हैं। वाइपर्स चलो वाइपर्स काफ़ी अच्छा क्लियर करते हैं इसके। यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाता है मैनुअल हैलोजन हेडलैम्प्स के कंट्रोल, और ये आपको कुछ इस तरह का पॉ वाला हॉर्न मिलेगा। यहाँ पर आपको पियानो फिनिश मिल जाती है, एक सिल्वर सी फिनिश मिलेगी, और यहाँ से ही आप इसका की प्लेस करोगे। नीचे आपको सभी डमी बटन्स मिलेंगे, टॉप मॉडल लोगे तो उसमें काफ़ी सेंसर वेंसर के बटन आ जाते हैं। यहाँ पर आपको भगवान लगाने की जगह, और जैसा कि आप लोगों को पता होगा महिंद्रा की सारी गाड़ियों में आपको यही वाला ORVM मिलता है, ये बस आपका सनवाइजर का ही काम करेगा, लेकिन यहाँ पर भी काफ़ी खाली जगह ये छोड़ देता है। यहाँ पर आपको सनग्लास होल्डर मिलता है जो कि अच्छी बात है, और इसकी क्वालिटी अच्छी रखी गई है। इस साइड में एक नहीं मिलता है, इस साइड में भी नहीं मिलता है, साइड में आपको एक LED में लैंप मिलता है, दो लैंप तो उसमें मिलकर है। स्कॉर्पियो क्लासिक में अगर याद हो तो बीच में बस एक लैंप आता है जो कि कोई भी काम का लैंप होता नहीं है। इस सीट्स की अगर अंडर थाई सपोर्ट की बात करें तो 6 फीट तक के पर्सन को कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इस साइड में आप देख सकते हो एक डी पेडल भी दिया गया है, और इसका क्लच काफ़ी लाइट है, चला के मजा आएगा। एक्सेलेटर पेडल ABC 3 पेडल्स मिल जाते हैं, और इस बार की जो लॉट की गाड़ी है, अगर आपने दोस्तों पास्ट का रिव्यू महिंद्रा स्कॉर्पियो का मेरे चैनल पर देख रखा है तो आपको पता चला गया इस बार की जितनी यूनिट्स आ रही है, मतलब इस लॉट की सारी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है। देख रहे हो इतना बड़ा गैप दोस्तों, ये बिल्कुल भी डिजर्व नहीं है, गाड़ी चाहे 5 लाख की हो या फिर 50 लाख की, ये देखो कितना मतलब फिट एंड फिनिश में तो अभी भी काम करने की महिंद्रा की जरूरत है। यहाँ पर आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, इसका गियर शिफ्ट काफ़ी लाइट, और पहले क्लच से जो चू चू की साउंड आया करता था वो भी महिंद्रा ने रिजॉल्व कर दिया, बस इसे रिजॉल्व कर दो, काफ़ी ये बियर्ड लगता है देखने में। यहाँ पर आपको 2 ग्लास होल्डर्स मिल जाते हैं, और एक हैंड ब्रेक मिल जाता है, और इसका पैजामा यहाँ पर टांग दिया गया है, जस्ट किडिंग गाइस। यहाँ पर आपको एक आर्मरेस्ट मिलता है, आर्मरेस्ट में आपको थोड़ा मोटा स्टोरेज स्पेस मिलेगा, ज़्यादा नहीं, ये भी आपको प्लास्टिक फिनिश में मिलेगा, लेदर रैप नहीं रहने वाला, ये पूरी रफ ब्लैक फिनिश रहेगी। दोस्तों इस साइड में आपको मिलता है 7 इंच का इन्फोटेनमेंट, लेकिन ये पहले ही आपको XUV में मिला करता था, वही वाला रखा गया, अभी एड्रीनॉक्स वाला फीचर इसमें नहीं दिया गया। Z6 वेरिएंट से ही आपको एड्रीनॉक्स फीचर मिलेगा, बाकी 4 स्पीकर्स मिल जाते हैं वो एक अच्छी बात है, ट्विटर फ्यूटर इसमें नहीं दिया गया है। ये पूरा ही फिनिश आपको प्लास्टिक में मिलेगा, साइड में सिल्वर सी फिनिश मिल जाती है AC वेंट के सराउंडिंग। यहाँ पर आपको कोई कोल्ड फोल्ड ग्लव बॉक्स नहीं मिलेगा, बस एक नॉर्मल ग्लव बॉक्स ही मिलेगा, बाकी क्वालिटी उसकी थोड़ी और अच्छी हो सकती थी। कुछ इस तरह का इसका इंटीरियर लेआउट है, मैनुअल AC मिलेगा, ऑटोमेटिक AC नहीं मिलेगा, हैजार्ड के कंट्रोल, एयरबैग्स के कंट्रोल, और यहाँ पर 2 चार्जिंग सॉकेट, एक फोन रखने की जगह मिल जाती है। दोस्तों अगर सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें आपको ABS CVT डुअल एयरबैग्स ट्रैक्शनल कंट्रोल नहीं मिलता है। दोस्तों इस वेरियंट में आपको ट्रैक्शनल कंट्रोल नहीं मिलता, लेकिन गाड़ी 5-स्टार रेटेड है तो आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर दोस्तों गाड़ी खरीदना चाहते हो तो आपके डिस्प्ले पर नंबर आ रहा होगा, पूछ लेना, और एक बार बस एक लाइक कर देना, वो लाइक बटन आप लोगों के लिए तो फ्री है लेकिन हम लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सके तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, सीट बेल्ट लगा के गाड़ी चलाना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।